हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की रेसिपी है वेजिटेबल पोहा। पोहा तो हम अधिकतर बनाते हैं, पर इस तरह से अगर आप पोहा बनाएंगे तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे। फ्राई मीठा नीम, कटे हुए प्याज, अब इसमें कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे, कटी हुई हरी मिर्च, मटर, आलू, सभी सब्जियों को हम कुछ देर तेल में भूनेंगे ताकि सब्जियां हमारी अच्छी से सॉफ्ट हो जाए। सब्जियां सॉफ्ट हो गई है, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। हल्दी, नमक, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पोहा डाल देंगे। पोहा को मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल देंगे, कटे हुए टमाटर, इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पोहा हमारे बनकर तैयार है, अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे हम हरे धनिये से गार्निश कर देंगे। वेजिटेबल पोहा बनकर तैयार है। इस तरह से आप पोहा बनाएंगे तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।